बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ नेल पेंट्स की जो कलेक्शन है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कि ये जो मेरे पास बहुत ही अच्छी अच्छी सी नेल पेंट्स हैं जो कभी कभार मैं लगा लेती हूँ खुद को या सलून वगैरह में यूज़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरे पास काफ़ी ज़्यादा हैं, इसमें पील ऑफ भी हैं, बहुत सारे तो ऐसे हैं जो मैं दे भी देती हूँ क्योंकि एक्सपायर होने का खर्चा होता है, तो इससे पहले मैं दे देती हूँ ताकि कुछ लोग और यूज़ कर लें। तो इसमें कुछ पील ऑफ भी हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, लाइक इनका बस थोड़ा सा इतना ही काम होता है कि ये 2-3 दिन चलते हैं, फिर उसके बाद ये हम इसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये देखें, ये कुछ पील ऑफ होते हैं नेल पॉलिशेज, ये जैसे मेरे पास ये पील ऑफ हैं, तो इनको हम आराम से लगाते हैं। इसके बहुत प्यारे प्यारे शेड्स हैं और ये इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये कॉस्मे वालों की हैं, ये पील ऑफ हैं और ये बहुत अच्छे नेल पेंट हैं। ये देखें, ये कॉस्मे वालों के हैं और ये बिल्कुल एक्सपेंसिव भी नहीं है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि मुझे कोई नेल पेंट पसंद आता है जो बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसका मैं अगर कंपेरिज़न करके लाती हूँ ना दूसरी नेल पेंट के साथ, अगर वैसी मुझे मिल जाती है और वो अच्छी भी होती है, तो ज़रूरी नहीं कि आप महंगी महंगी ख़रीदें, आप सस्ती भी ख़रीद सकते हैं। ये आप सस्ती जो है ना वो नेल पॉलिशेज हैं, वो इतनी महंगी नहीं हैं। ये जो है ना ये कॉस्मे वालों की हैं और ये बहुत अच्छी हैं, ये पील ऑफ हैं। अगर आप लगाएं तो फिर अगर आपने रिमूव करना है जिससे आपके नेल भी ख़राब नहीं होंगे और आपको जो नेल रिमूवर है वो भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा और आराम से आप इसको पील ऑफ कर सकते हैं। ये जो है ना ये नेक्स्ट ब्रांड है, ये है लैबकॉस्ट वालों की हैं, ये भी बहुत अच्छी होती हैं और मैं अक्सर जब नेल पेंट यूज़ करती हूँ वो पील ऑफ करती हूँ ताकि मुझे जो रिमूवर है ना वो ना यूज़ करना पड़े। उससे क्या होता है कि आपके जो नेल है ना उसमें जो एक पिलाहट सी आ जाती है वो नहीं आती, और इस तरह से ना आपकी जो नेल पेंट होती है वो आराम से आप जल्दी जल्दी रिमूव भी कर सकते हैं नमाज वगैरह पढ़ने के लिए ना, तो आप इसको आराम से रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो लैबकॉस्ट वालों की होती है ये भी पील ऑफ नेल पॉलिश में भी आती है और ये इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होती है, आप आराम से इसको परचेज़ कर सकते हैं और अपने नेल्स पर लगा सकते हैं। इसमें बहुत प्यारे प्यारे शेड्स भी होते हैं, इसमें कुछ मैट्स में भी होती हैं और कुछ जो होती हैं ना तो वो जैसे जिनमें जो है ना वो ऐसी होती हैं कि जो इसमें शाइन भी होती है, ठीक है, कुछ मैट वाली होती हैं कुछ शाइन वाली होती है, इसमें मेरी मिक्स होती हैं, कुछ मैट की होती हैं कुछ शाइन की होती हैं, कुछ मैं लगा के अभी आपको दिखाऊंगी भी सही कि ये कैसी नेल पेंट होती है। ये है जी मेडोरा, माय ऑल टाइम फेवरेट। मेरे पास इस ब्रांड की बहुत ज़्यादा नेल पेंट्स होती हैं लेकिन चूँकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती हैं तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जो थोड़ी रहती होती हूँ तो फिर मैं किसी ना किसी को ये दे देती हूँ ताकि वो लोग यूज़ कर लें, इसे ज़ाया ना हो जाए ना। तो ये बहुत अच्छी नेल पेंट होती है, इससे क्या होता है कि आपके जो नेल्स होते हैं वो ख़राब नहीं होते, यानी अगर आप इसको लगाएंगे ना और अगर आप इसी नेल पेंट के कोट उसके ऊपर करेंगे तो इससे आपकी ये नेल पेंट जो होगी वो रिमूव हो जाएगी, आपको रिमूवर इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, आपको जो नेल पेंट रिमूवर होता है ना उसकी फिर ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर आपने उतारनी है तो आप यही जो नेल पेंट है उसको एक दफ़ा एक कोट और करेंगे उस नेल पेंट के ऊपर और गीला गीला उसको कपड़े से साफ़ कर लेंगे तो वो क्या होगा कि आपकी जो नेल पेंट होगी वो रिमूव हो जाएगी और आपका जो नेल है वो भी ख़राब नहीं होगा, जो कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे जो नेल्स होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं नेल पेंट रिमूव करने से। स्टीम के मेरे पास 5-6 शेड थे लेकिन इस वक्त जो है ना वो मेरे ख़त्म हो गए हैं, मेरे पास ये एक ही शेड बचा है क्रिस्टीन का। इसकी कवरेज बहुत अच्छी होती है, क्रिस्टीन चूँकि नाम ही काफ़ी है तो इसकी जो कवरेज होती है वो बहुत अच्छी होती है और ये जो नेल पेंट होती है ये नेल पे लग के बहुत ही कोई हसीन लगती है, ठीक है ना। लेकिन हम जब इसको नेल पे अपने अप्लाई करते हैं तो हमारे जो नेल होता है वो बहुत ही खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है। ना तो मैं इतने लंबे नेल रखती हूँ और ना जो है ना वो मैं ज़्यादातर नेल पेंट यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी कभार जब कभी यूज़ करनी होती है तो मैं नेल जो है ना वो नेल पेंट यूज़ कर लेती हूँ और इसको यूँ साइडों से साफ कर दें, कॉटन बर्ड से वैसे साफ करते होते हैं लेकिन मैंने भी ऐसे ही साफ कर दिया। ये देखिए जी, ये अब हैं कुछ खुदा ब्यूटी की हैं, बहुत प्यारे प्यारे इसमें कलर्स हैं, ये मेरा फेवरेट तीन कलर है, बहुत ही हसीन कलर है ये और लगाने के बाद बहुत प्यारा लगता है ये देखिए, बहुत प्यारा कलर है ये,
ये भी अच्छा कलर है, लेकिन ये फंक्शंस के लिए हैं। ये देखिए, ये बहुत प्यारा कलर है। ये देखें जी, ये मेरी ब्यूटीफुल सी नेल पेंट कलेक्शन। मेरे पास और भी मेकअप की कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि आई शेड्स की, लिपस्टिक्स की, और इसके अलावा जो फेस पाउडर्स हैं उनकी, लाइनर की, जो भी कलेक्शन आप देखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको वो सारी कलेक्शन प्राइस के साथ साथ शेयर कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। रखिएगा अपना बहुत ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।